वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के बाद मथुरा के विवादित ईदगाह मस्जिद परिसर को सील करने के लिए अब मथुरा अदालत में याचिका दायर कर रही है। हिंदू याचिकाकर्ताओं का दावा है कि अगर परिसर को सील नहीं किया गया तो गर्भगृह और अन्य पुरातात्विक मंदिर के अवशेष क्षतिग्रस्त को हटाए जा सकते हैं। अब कोर्ट तय करेगा कि इस याचिका पर सुनवाई होनी है या नहीं। गौरतलब है कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद उस जगह को सील कर दिया गया है जहां मस्जिद का वजूखाना है। ज्ञानवापी में सीलिंग की कार्यवाही के बाद अब मथुरा के ईदगाही मस्जिद में भी सीलिंग की कार्यवाही करने की मांग की गई है। इस बार मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में याचिका दायर की गई है। हिंदू याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में जिस तरह से हिंदू शिवलिंग अवशेष मिले हैं उससे स्थिति स्पष्ट हो गई है कि वहां प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष शुरू से ही इसी कारण विरोध करते रहे हैं। यही स्थिति है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की है कि जो असली गर्भगृह है वहां पर सभी हिंदू धार्मिक अवशेष कमल शेषनाग ओम स्वास्तिक आदि हिंदू धार्मिक चिन्ह व अवशेष हैं जिनमें से कुछ को मिटा दिया गया है। हिंदू याचिकाकर्ताओं ने आगे भी कहा है कि अगर हिंदू अवशेषों को मिटा दिया तो करैक्टर ऑफ प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा और वाद का उद्देश्य व सच खत्म हो जाएंगे ऐसी स्थिति में वहां ईदगाह मस्जिद में सभी का आना जाना प्रतिबंध कर उस परिसर की उच्च सुरक्षा की व्यवस्था की जाए या परिसर को सील किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।